राजस्थान में आज से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज होगा। झालावाड़ में आज शाम पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। वसुंधरा राजे के गढ़ झाड़ापाटन से राजस्थान में यात्रा का प्रवेश होना है। सचिन पायलट, पीसीसी चीफ डोटासरा, मंत्री रामलाल जाट, ममता भूपेश समेत कई बड़े नेता झालावाड़ पहुंच चुके हैं। 18 विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा के रूट चार्ट में आंशिक बदलाव किया गया है। अब 8 दिसंबर की जगह 9 दिसंबर को रेस्ट का दिन रखा गया है। 9 दिसंबर को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन है। 9 दिसंबर को राहुल गांधी का दिल्ली जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसलिए रूट चार्ट में विश्राम का दिन बदला गया है। तो आज भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में प्रवेश होना है और महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि राजस्थान में स्वागत की भव्य तैयारी की गई है और जो ये राहुल गांधी की यात्रा है राजस्थान में जहां प्रवेश इस यात्रा को करना है वो इलाका झालरा। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पाटन का है यानी कि वसुंधरा राजे के गढ़ में ये प्रवेश करेगी और वहां से ये यात्रा राजस्थान में आगे बढ़नी है। तो इसको लेकर तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो झालावाड़ पहुंच चुके हैं। अब जो है इंतजार है वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के आगमन का। स्वागत की तैयारियाँ पुख्ता कर ली गई हैं और कोशिश यही है कि राजस्थान में जैसे ही इस यात्रा का प्रवेश हो इसे एक भव्य रूप दिया जाए। और यही वजह है कि जो पूरा रूट मैप है जो तैयार किया गया है वहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम हैं, लोगों को जुटाने की पूरी तैयारी है। तमाम जो राजस्थान के बड़े नेता हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान से गुजरेगी तो कांग्रेस के पक्ष में एक बेहतर माहौल यहाँ पर तैयार होगा और 2023 में चूंकि यहाँ पर चुनाव होने हैं तो उन्हें इस भारत जोड़ो यात्रा से खासी उम्मीद है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान पहुँचेगी तो सरकार रिपीट यहाँ पर हो सके कांग्रेस की, इसमें एक बड़ी जो है मदद इस यात्रा के आने से मिलेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर ये यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण है और पहली बार ये जब ये यात्रा शुरू हुई उसके बाद से किसी कांग्रेस शासित राज्य में ये यात्रा प्रवेश कर रही है। राजस्थान वो पहला राज्य है जहां पर कांग्रेस का शासन है और कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा है। तो ऐसे में इस यात्रा को जो सबसे ज़्यादा बूम मिलेगा वो राजस्थान में देखने को मिल सकता है और इसी लिहाज से तैयारियां भी की गई हैं। इससे पहले चाहे वो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हो, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो या फिर कई मंत्री और दूसरे जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन लोगों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियों का जायजा लिया। हर अलग अलग जगहों पर लोगों को जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।